चैतन्य महाप्रभु के जीवन का प्रसंग है। चैतन्य महाप्रभु एक समय अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ बंगाल के एक नगर में गए और एक वाटिका में आसन जमाया। नगर के लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। उन्होंने इन आने वालों से एक प्रश्न किया कि तुम्हारे नगर में सबसे अधिक नीच व्यक्ति कौन है। प्रत्येक ने एक ही उत्तर दिया कि मघाई नाम का एक व्यक्ति उनके नगर में सबसे अधिक बुरा और प्राय सभी के लिए कष्टों का कारण है। महात्मा चैतन्य ने अपने दो शिष्यों को भेजा कि जाओ मघाई को बुला लाओ। दोनों शिष्य मघाई के पास गए। वह उस समय अपने किसी मित्र के साथ शराब पी रहा था। जब शिष्यों ने गुरु का संदेश उसे दिया तो उसने खाली बोतल उनके ऊपर दे मारी। सिर में चोट लगने के कारण घाव हो गया, खून निकला। शिष्य ने गुरु के पास आकर इस बात की घटना की सूचना दी। गुरु ने अपने 8-10 शिष्यों को भेजा कि जाओ, यदि मघाई खुशी से न आए तो उसे पकड़ कर ले आओ। इस प्रकार पकड़ कर लाया गया। मघाई चैतन्य के पास पहुंचा। चैतन्य महाप्रभु ने एक गदीला गद्दा बिछवा दिया। मघाई को उस गद्दे पर लिटाया गया। वह सोच रहा था कि उसे दंड मिलेगा, परंतु देखता क्या है, चैतन्य महाप्रभु उसके पैरों के पास बैठ गए और उन्होंने अपने हाथ उसके पैर पर इस प्रकार रखे कि जैसे कोई किसी के पैर दबा रहा हो। मघाई घबरा कर बैठ गया। उसका हृदय उलट पलट हो गया और वह चैतन्य के हाथों को पैर से हटाकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से चैतन्य से कहने लगा, महाराज मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने अनेक अपराध किए हैं, आपने क्यों मेरे अपवित्र शरीर को छूकर अपने हाथों को अपवित्र किया। अब ये मघाई पहले जैसा मघाई नहीं रहा था। इस प्रकार सेवा से नीच और पतित से पतित व्यक्ति को भी पिघलाया जा सकता है। किसी व्यक्ति में परिवर्तन लाना हो तो उससे घृणा करके नहीं लाया जा सकता, अभी तो प्रेम भाव और सेवा भाव से ही पतित से पतित व्यक्ति को भी अच्छा बनाकर उसे सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने सेवा भाव से ही मघाई को एक नेक इंसान बना दिया। इसीलिए महापुरुषों को पतित उद्धारक और पतित पावन कहा जाता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शांति।